वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं रवे का हलवा। उसके लिए दो इलायची ली है, आधा किलो रवा और एक किलो शक्कर ली है। सबसे पहले हम लोग रवे को फुल फ्लेम पर कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। जब हमारा बढ़िया सा ब्राउन कलर हो जाएगा तब आप समझिएगा आपकी सूजी भुन चुकी है, कुछ ऐसा कलर हो जाएगा। अब हम लोग एक भगोना लेंगे, उसमें हम लोगों ने 250 ml घी लिया है। जब घी हमारा गर्म हो जाएगा पूरा आपको हलवा अपना फुल फ्लेम पर पकाना है। ये हमारा घी गर्म हो गया, इसमें दो इलायची हम लोगों ने ऐड कर दी। जब हमारी इलायची का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तब इसमें हम लोग अपनी एक किलो शक्कर ऐड कर देंगे। अब इसमें हम लोग अपनी एक किलो शक्कर डाल देंगे। जब हम लोगों की शक्कर भगोने में चली जाएगी उसके बाद हम लोग 6 ग्लास वाटर इसमें ऐड करेंगे। लगभग 250 ml पानी आए इतना आपको एक ग्लास लेना है। ये मैंने 6 ग्लास वाटर इसमें ऐड कर दिए। अब इसको हम लोग फुल फ्लेम पर कम से कम आधा घंटे के लिए पकाने के लिए रख देंगे और इसे स्टार्टिंग में आप चलाते जाइएगा। जब हमारी एक तार की चाशनी बन जाएगी उसके बाद ही हम लोग इसमें अपना रवा ऐड करेंगे। रवा ऐड करने के लिए एक साथ रवा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके हमें रवे को ऐड करना है। देखिए हमारी बबल्स आने लगे हैं। अब ये हमारी चाशनी बन के रेडी हो चुकी है। लगभग आधा घंटा हमारा हो चुका है। अब इसमें अपने हम सूजी या रवे को ऐड करेंगे। पहले मैंने थोड़ा सा रवा डाला लगभग 250 ग्राम और चलाया चम्मच से। इसके बाद फिर मैंने अपना थोड़ा सा रवा डाला। ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा करके अपना रवा डालना है और फुल फ्लेम पर लगभग 20 मिनट के लिए इसे हम लोग अभी और पकाएंगे। जब हमारा जो एक्स्ट्रा वाटर था वो ख़त्म हो जाएगा तब आप समझिएगा कि आपका हलवा बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारी थोड़ी सी थिकनेस आ गई है, लेकिन अभी थोड़ा सा और पकाएंगे हम लोग। जब हमारा बढ़िया सा पक जाएगा उसके बाद इसे हम लोग सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारा पक चुका है, देखिए एक्स्ट्रा वाटर भी दिख रहा है, थिक भी हो गया है। अब इसे हम लोग एक अपने सर्विंग बाउल में इलायची और केवड़ा जल के साथ सर्व करेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।